वैसे तो पुलिस अपने गलत आचरण और व्यवहार की वजह से अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस का संवेदनशील मानवीय चेहरा देखने को मिला है, जहां जनपद के पांचाल घाट वन चेतना केंद्र के पास बीमार अवस्था में मिली एक 70 वर्षीय वृद्धा का शहर कोतवाली पुलिस सहारा बनी है। बता दें कि किसी ने पुलिस को सूचना दी थी कि पांचाल घाट पर वन विभाग के बाग में लाश है, जिसके बाद शहर कोतवाल अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्हें धूल मिट्टी में सनी एक बुजुर्ग महिला दिखी, जिसको कोतवाल ने अपने साथियों के साथ बाहर निकाला और पुलिस वालों ने बुजुर्ग महिला की थोड़ी साफ सफाई करके उसे अपने हाथों से पानी व फल खिलाए। पुलिसकर्मियों द्वारा एक बेसहारा बुजुर्ग महिला की मां की तरह सेवा करना सभी के दिलों को छू गया। यही नहीं, शहर कोतवाल ने कुछ महिलाओं को बुलाकर बुजुर्ग के कपड़े भी बदलवाए। गौरतलब हो कि बुजुर्ग महिला विक्षिप्त और बेसहारा हैं, उनके परिजनों ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन इस बुजुर्ग महिला को आज कई पुलिस वाले बेटे मिल गए जो उनके देखभाल का जिम्मा उठाने को तैयार है। वहीं शहर कोतवाल ने बुजुर्ग माँ की जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें नारायणपुर स्थित वृद्धाश्रम में रहने की सारी व्यवस्था कराई। इस नेक खबर की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई तो लोग फर्रुखाबाद पुलिस की तारीफ करते नजर आए। वहीं इस मामले पर सीओ सिटी ने भी शहर कोतवाल व अन्य पुलिसकर्मियों की प्रशंसा करते हुए उनका हौसला बढ़ाया है, और साथ ही सीओ सिटी ने आम जनता से भी बड़े बुजुर्गों को प्राथमिकता देने की अपील की है। ये थाना कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्र में फर्रुखाबाद पुलिस इंस्पेक्टर साहब की अगुवाई में एक सर्च ऑपरेशन कर रही थी। इसी दौरान वो जंगल में एक जो महिला करीब 70 वर्ष है जहानगंज की रहने वाली, जैसा उन्होंने बताया, जो जानकारी प्राप्त हुई है, उनको कोई छोड़ गया था। उनकी हालत बड़ी विक्षिप्त थी और काफ़ी शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थी। उसको इंस्पेक्टर कोतवाली फर्रुखाबाद श्री विनोद शुक्ला जी ने उनका उपचार कराया, उनको नहलवाया, कपड़े चेंज कराए और साथ ही साथ उनको खाना वगैरह दिया, जिससे उनकी हालत सही। उन्होंने फिर जानकारी दी कि वो झारखंड की रहने वाली है। इंस्पेक्टर साहब के द्वारा गुडवर्क करते हुए उनको जो नारायणपुर में जो वृद्ध आश्रम है वहाँ पे उनको अभी रहने की व्यवस्था कराई है, और जल्द ही जो महिला है उनके जो परिवार का पता लगाया जा रहा है और जल्दी उनको सपोर्ट किया जाएगा। अगर उनमें महिला को परिवारजन द्वारा इस हालत में जानबूझकर छोड़ा गया तो उन पर विधिक कार्रवाई भी होगी और वो सीनियर सिटीजन वेलफेयर एंड केयर एक्ट है 2014 उसके तहत भी कार्रवाई हो सकती है अगर उनको हालत में जानबूझकर छोड़ा गया है। सर, एक सराहनीय पहल भी है और एक जो पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी सामने आया है, क्या अपील क्या रहेगी आम जनता से? देखिए, ये सभी से अपील है कि हम जब यंग हैं तो बहुत फिजिकली तो फिट होते हैं, लेकिन हमें साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखना है जो हमारे माता पिता हैं, हमारे गार्जियंस हैं, या जो वृद्ध जो हमारे परिवार में जो हमारे सीनियर्स हैं उनको उनका ध्यान रखना है। और सीनियर सिटीजन्स का स्पेशली पुलिस के द्वारा भी जो लोग हमको मिलते हैं हमें उनकी जो भी मदद हम कर सकते हैं वो मदद करेंगे। और सभी से अपील है कि सीनियर सिटीजन मिले, अगर वो बैंक में लाइन में भी लगे हुए हैं तो उनको पहले आप उनको टाइम दीजिए कि पहले उनकी सुनी जाए। इवन हमने सारे थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिया है कि जो सीनियर सिटीजन आते हैं उनकी सुनवाई प्राथमिकता पे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पैनी खबर।